आज हम आपके लिए बना रहे हैं क्विक नूडल्स। तो उसमें ये है कि ये देखें, ये बाजार की नूडल्स है, कोई भी फ्लेवर ले लें, ये वेजिटेबल फ्लेवर है। और आपने करना ये है कि इसमें इसका जो स्पाइस है ना, बस वो नहीं यूज करना, वो हम आपको बताएंगे, हम अपनी सॉस बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसको आप बस इसकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपने जो ऊपर लिखा हुआ है जितनी देर उतना ही इनको बॉइल कर लें। तो हमारे पे लिखा हुआ है 2 मिनट, हम 2 मिनट बॉइल करेंगे। ये बॉइलिंग वाटर में बस ये डाल दें। सेम पॉट जिसमें आपने अभी नूडल्स वो जो है हमने उबाली है, उसी में आपने ये बटर डाल देना ऐसे 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून। और इसमें अब हम सारी सब्जियां जो है वो सॉटे कर लें। और ये मीडियम हीट के ऊपर हम करने लगे हैं, मीडियम से हाई पे करें। और इनको आपने तकरीबन 2 मिनट आपने सारी सब्जियों को जो है वो इसमें सॉटे कर लेना। इसमें हमने डाला है ग्रीन बीन्स लिए हैं, मशरूम्स लिए हैं, और ये कैरेट्स हैं, और अभी शिमला मिर्च एंड में डालेंगे, वो जरा थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती है। तो सब्जी जो उनसी मर्जी जो आपको पसंद है वो आप डाल लें, और चाहे तो अनियन भी डाल लें। हमारे घर में क्योंकि अनियन मेरी बेटी नहीं खाती तो इसलिए हम नहीं डाल रहे। ये सब्जियाँ देखिए हो गई हैं सॉटे, बस इसमें आप ये शिमला मिर्च जो है ये एंड में इसको थोड़ी सी फ्यू सेकंड्स के लिए पकाएंगे और बाद ये अब हम इसकी नूडल्स की ना सॉस बनाने लगे हैं। तो ये आपने ध्यान से देखना, इसमें चाहिए 1.5 कप पानी का और 1.5 टेबल स्पून जो है ये वो सिस्टर शायद सॉस है, 3 टेबल स्पून जो है ना ये लेमन के हैं, लेमन जूस, 10 टेबल स्पून जो है ये सोया सॉस के हैं, और ये 8 टेबल स्पून जो है ये पीपल सिरप के हैं, 3/4 टीस्पून जो है ये काली मिर्च का है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से बेशक ज़्यादा भी कर लें, लेकिन ये वैसे इतनी मुनासिब है। ये 6 टेबल स्पून है कॉर्नस्टार्च के, ये आपने इसमें डाल देने, मिक्स अच्छी तरह कर लें। ये कॉर्नस्टार्च जो है इसकी वो फिल्टियाँ नहीं बननी चाहिए। ये इस वक्त बस ये अब आपने ये सारी सॉस लिया ना, ये मीडियम से हाई हीट पे चूल्हा, और सब्जियों के अंदर आपने ये सारी सॉस डाल दी। ये देखिए ये आप थोड़ा सा उबलने लग गया है, आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये सॉस थोड़ी सी थिक हो जाए तो बस इसके अंदर हम नूडल डाल देंगे। ये सॉस अब गाढ़ी हो गई है। एब्जॉर्ब करनी है, तो ये देखें ये अब सारा अच्छी तरह मिक्स किया तो सारी सॉस जो है वो उसके अंदर चली गई है।